स्टडिंग कोडोमिनेंस। नॉनमेंटेरियल इनहेरिटेंस का आज हम लोग सेकेंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस को हिंदी में हम लोग सहप्रभावता के नाम से जानते हैं। तो चलिए कोडोमिनेंस को मैं इंग्लिश में डिफाइन किया हूं। When the F1 generation resemble both the parents and both the parental characters are expressed simultaneously, the phenomenon is called codominance. अब कोडोमिनेंस का मीनिंग आपको इंग्लिश में तो समझ में आ चुका होगा, अब हिंदी में आपको बताता हूं कि कोडोमिनेंस का मतलब क्या होगा। तो किन्हीं दो विप्राय लक्षणों के मध्य क्रॉस कराने पर दोनों लक्षणों का पूर्ण रूप से परिलक्षित होना ही कोडोमिनेंस है। सिंपल सी बात है, टू डिफरेंट हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर के जो पेरेंट्स होते हैं, तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर के जो पेरेंट्स होते हैं इनके बीच अगर हम लोग क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग ओरिजिनेट होगा उसके अंदर फादर और मदर दोनों के कैरेक्टर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, दोनों के कैरेक्टर जो होते हैं वहां पर परिलक्षित होते हैं। इसी को हम लोग कोडोमिनेंस कहते हैं, अर्थात फादर और मदर दोनों के कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर का एक साथ आ जाना ही क्या है, कोडोमिनेंस है। को का मतलब साथ, डोमिनेंस का मतलब होता है दिखाई देना। तो देखिए इसका फॉर एग्जाम्पल मैं लिया हूं एबी टाइप ब्लड ग्रुप। लिख दिया हूं एबी टाइप ब्लड ग्रुप इज possible when allele A and B come together and since both the alleles are expressing their effect in F1 generation they are codominant। simple सी बात है, AB type के जितने भी blood group होते हैं वो father और mother के two alleles पर depend होते हैं, alleles number A और alleles number B। father के अगर alleles A और mother के अगर alleles B जो होते हैं offspring में अगर transfer होते हैं तो 100% जो new offspring originate होगा उसका blood group क्या होगा, AB होगा। तो AB blood group जो होती हैं वो codominance का एक important example है। second example हम देखते हैं two different type के हम लोग animal देखेंगे, एक होगा red animal और एक होगा white animal। तो red animal और white animal के two different constituent character हैं, इनके बीच अगर हम लोग cross कराएंगे तो codominance के जो important character जो होते हैं इनका genotype और phenotype क्या होगा हम लोग diagram बना के देखते हैं। चलिए देखो रेड एनिमल को हम शो करेंगे कैपिटल आर से, और व्हाइट एनिमल को हम लोग डब्ल्यू ए टाइटल, व्हाइट एनिमल को शो करेंगे हम लोग स्मॉल आर से। तो सिंपल सी बात है, रेड एनिमल कैपिटल आर, व्हाइट एनिमल शो हुआ स्मॉल आर, तो इसका क्या होगा कैपिटल आर निकलेगा, इसका क्या होगा स्मॉल आर। ये क्या है, गैमेट्स है, दोनों के बीच अगर क्रॉस होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर ये होगा F1 जनरेशन। F1 क्या होगा जनरेशन। तो यहां पर देखो क्या आ गया, इसमें आएगा वेरी गेटेड एनिमल्स। मतलब देखिए रेड एनिमल और व्हाइट एनिमल के बीच जब क्रॉस होगा तो F1 जनरेशन के अंतर्गत जो एनिमल जो ऑफस्प्रिंग ओरिजिनेट हो रहा है वो वेरीगेटेड है। वेरीगेटेड मतलब इसका हाफ रेड आएगा, इसका हाफ व्हाइट आएगा, तो हाफ रेड और हाफ व्हाइट के मिक्स होने से जो ऑफस्प्रिंग ओरिजिनेट होगा वो वेरीगेटेड होगा। अब F2 जनरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो वेरीगेटेड एनिमल के साथ हम लोग क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। तो I hope that is absolutely clear। देखिए क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर स्मॉल आर, दो देखो दो कैपिटल आर मिक्स होगा, इसका इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका इसके साथ मतलब पहले कैपिटल फिर स्मॉल, लास्ट बच गया दो स्मॉल आर। तो F2 जनरेशन में क्या क्या मिलेगा, तो देखिए क्या क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर और ये होगा स्मॉल आर, ये होगा आपका F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन के अंतर्गत हमें क्या मिला, ये क्या है 25% रेड एनिमल है, और ये 50% क्या है वेरी गेटेड एनिमल है, और ये 25% क्या है वाइट एनिमल है। अब इसका जीनोटाइप देख लेते हैं, जीनोटाइप सीधा लिखते हो जी की मतलब जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब क्या होगा, तो जीनोटाइप में डिफाइन कर चुका हूं, इनका जीनिक स्ट्रक्चर हमें देखना होगा। तो देखिए कैपिटल आर वाले कितने हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले कितने हैं, स्मॉल आर वाले कितने, तो देखिए कैपिटल आर वाले हमें मिलेंगे 1,
कैपिटल आर स्मॉल आर वाले मिलेंगे हमें दो और स्मॉल आर वाले मिलेंगे वन, वन रेशियो टू रेशियो वन इनका जीनोटाइप होगा। लेकिन इसका फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब पी, फिनोटाइप क्या होगा तो कोडोमिनेंस का फिनोटाइप हमें निकालना है। देखिए फिनोटाइप पे हम इसके हम कैरेक्टर देखते हैं, इसके रंग देखते हैं, रूप देखते हैं, इसका आकार देखते हैं। तो हम लोग पढ़ रंग देख रहे हैं तो कितने रेड हैं, कितने वेरिएटेड हैं और कितने वाइट हैं। देखिए वन हमें क्या मिला, रेड मिला, दो हमें क्या मिले, वेरिएटेड मिले और एक हमें क्या मिला है, वाइट मिला है। सिंपल सी बात है, इनका फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 होगा। तो सिंपल सम देखे हैं, पहला पढ़ाया था मैं आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उनका भी जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम था और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कोडोमिनेंस, इनका भी जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम है। इससे प्रूफ हुआ ये क्या है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, क्योंकि मेंडल ने इसका जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक क्या हुआ था, मेंडल की थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, वहां का जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है इससे डिफरेंट है। तो सिंपल सी पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है क्योंकि कुछ एनिमल जो होते हैं वो मेंडल के रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं। तो आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। कहीं पर भी अगर आपको डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो के साथ बनी रहिए और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिए, क्योंकि 2021 में आपको 100% सही नंबर लाना है और मेरे वीडियो से आप मेहनत कीजिए 100%। कहीं पर भी अगर डाउट होगा मैं आपको क्लियर करने का क्या करूँगा प्रयास करूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।